कि जब आदमी का विजन क्लियर हो जाए, जब आदमी को पता लग जाए कि मुझे इस काम में सफलता मिलेगी मिलेगी, तो फिर मैं डीमोटिवेट क्यों हो जाता हूँ। कल भी मेरे पास एक लीडर का कॉल आया कि सर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आदमी मुझे साथ तक समझ में नहीं आता कि लोग डीमोटिवेट हो कैसे जाते हैं। जब मुझे पता लग गया इस बिजनेस को करने से मेरी जिंदगी बदलेगी, जब मुझे पता लग गया इस बिजनेस को करने से मेरे परिवार की जिंदगी बदलेगी, जब मुझे पता लग गया इस बिजनेस को करने से मेरे घर में गाड़ी आएगी, जब मुझे पता लग गया इस बिजनेस को करने से मैं लाखों रुपए महीने कमाऊंगा, जब मुझे पता लग गया इस बिजनेस को करने से मेरे पास घर आएगा, और फिर उसका सब कुछ क्लियर होने के बाद भी अगर आदमी डीमोटिवेट हो जाता, कैसे हो सकता है? तो डीमोटिवेट आदमी कैसे हो सकता है, हो कैसे सकता है डीमोटिवेट कि सर मुझे उसने डीमोटिवेट कर दिया? पागल है क्या? हमें दुनिया का कोई आदमी डीमोटिवेट कर कैसे सकता है? कर कैसे सकता है हमें कोई आदमी डीमोटिवेट? जब मेरा विजन क्लियर हो गया, जब मुझे ये पता लग गया कि ये काम है, ये मुझे करना पड़ेगा, हम क्यों डीमोटिवेट नहीं होते? आज तक हम तो डीमोटिवेट नहीं हुए कभी भी। हमारे अपलाइन तो डीमोटिवेट कभी नहीं हुए। हमारे अपलाइन ने जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आज तक डीमोटिवेट नहीं हुए। हमने जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आज तक हम कभी डीमोटिवेट नहीं हुए कि सर मुझे उसने बहका दिया, उसने बोल दिया कंपनी भाग जाएगी, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो गया। सर उसने बोल दिया या कुछ नहीं होता, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो गया। सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने मुझसे मना कर दिया, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो गया। सर मैंने टीम मनाई, टीम ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कोई आदमी आज हमसे आके अगर मैंने अपने काम को, इस काम को अपना सब कुछ मान लिया है, जब मैंने अपने इस काम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम मान लिया है, जब मैंने इस काम को अपनी जिंदगी का आखिरी काम मान लिया है, तो मुझे कोई आदमी डीमोटिवेट कैसे कर सकता है? किसी बच्चे को पता है ये मेरे पापा है, किसी बच्चे को ये मालूम है ये मेरे पापा है, और कोई पड़ोसी आके बोले कि बेटा ये तेरे पापा नहीं है, तो क्या हम डीमोटिवेट हो जाएंगे? क्या हम उसकी बात पर भरोसा कर लेंगे? मेरा पापा नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, हम उनकी बात को मान लेंगे क्या? जब उनकी बात को नहीं मान सकते और हमें पूरा अटूट भरोसा है कि हमारे फैमिली मेंबर है, ये हमारे पापा है, ये हमारी मम्मी है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, जब अटूट भरोसा हो गया और जिंदगी में कोई आदमी हमसे ये नहीं बोल सकता ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी ने, हम जब अटूट भरोसा करके बोल सकते हैं ये हमारे फैमिली मेंबर है, तो दो जो हमारा विजन क्लियर हो जाता है, जो हमारा विजन क्लियर हो गया तो इसकी पे जिंदगी का लास्ट काम है, तो उसके बाद भी हमें डीमोटिवेट हम हो कैसे जाते हैं? फिर कैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग? फिर हम कैसे भूल जाते हैं कि हमने क्या कसमें खाई थी जब हमने ज्वाइन किया था? कैसे फिर जिंदगी में? दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप बार बार डीमोटिवेट होते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर वही आदमी सफल होगा जो एक बार जिंदगी में एक बार मोटिवेट हो जाए और अपने आप को लाइफ टाइम मोटिवेट रख सके। एक बार मोटिवेट हो जाए, लाइफ टाइम अपने आप को मोटिवेट रख सके, वही आदमी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायमंड बनेगा, वही आदमी एसलीपीएस के अंदर डायमंड बनेगा। अगर जो आदमी बार बार मोटिवेट बार बार डीमोटिवेट अपलाइन ने मोटिवेट किया, मोटिवेट हो गया, उसको सफलता नहीं मिली। ये बहुत बड़ी समस्या है सफलता की राह में आने वाली। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई लीडर अपलाइन से मिला, अपलाइन की ट्रेनिंग में गया और वहां जाके मोटिवेट हो गया, वहां से बाहर निकलता है। कोई लीडर नेगेटिव है, डीमोटिवेट है, एक शो में गया, शो में जाने के बाद मोटिवेट हो गया। एक लीडर नेगेटिव है, अपलाइन के साथ जाके बैठा एक घंटे, मोटिवेट हो गया। कोई लीडर नेगेटिव है, अपलाइन के साथ बैठा है ट्रेनिंग में और वहां मोटिवेट हो गया और बोले सर मैं मोटिवेट हो गया हूं। ये दोस्त एक फेक मोटिवेशन है, ये फेक मोटिवेशन है। अपलाइन के कहने से, शो देखने से, ट्रेनिंग में जाने के बाद अगर कोई लीडर मोटिवेट होता है तो एक फेक मोटिवेशन। ये मोटिवेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। ये मोटिवेशन 24 घंटे, 48 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, 10 दिन, 20 दिन, एक महीने में खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलता। रियल मोटिवेशन में आइए दोस्त, रियल मोटिवेशन होता कौन सा है? रियल मोटिवेशन है क्या? किसी लड़के के पास चलने के लिए बाइक नहीं है, उसको कौन मोटिवेट करे तुझे बाइक लेनी चाहिए? उसको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को कि मुझे बाइक चाहिए। किसी के पास बाइक, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो उसको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा अपनी गाड़ी के लिए। किसी के कोई आदमी किराए के घर में रहता है, उसको मोटिवेट खुद रहना पड़ेगा अपने घर के लिए।
कोई आदमी महीने का 10,000 कमाता है, उसको लाखों कमाने के लिए खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा। जिंदगी में एक बात याद रखिए, अगर आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको डीमोटिवेट कर सके। और किसी के कहने से आप मोटिवेट होते हैं तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको नेगेटिव नहीं करेगा। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्त, खुद आप मोटिवेट खुद रहिए, खुद मोटिवेट हो जाइए आप, फिर आपको कोई डीमोटिवेट नहीं करेगा, कोई नहीं डीमोटिवेट कर पाएगा। दुनिया की सारी ताकतें भी आ जाएंगी ना आपको डीमोटिवेट करने में, आपको डीमोटिवेट कर कोई नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने आप को खुद मोटिवेट कर लिया तो। अगर आपने अपने आप से खुद बात कर ली और आपने अपने आप को खुद समझा दिया तो फिर आपको कोई आदमी डीमोटिवेट नहीं करेगा। हम लोग बोलते हैं सर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार अपने आर्थिक हालातों पे जाओ एक बार, आप याद करो उन बातों को जो हमारे फैमिली मेंबर ने हम लोगों की सफलता के लिए किया है। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाने के लिए, हमारे माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ाने के लिए कितनी बार कर्ज लिया होगा, कितनी बार कर्ज लिया होगा हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाने के लिए, कितनी बार कर्ज लिया होगा उन्होंने, हमारे माँ बाप ने हमारे सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों को तोड़ा होगा, अपने सपनों को तोड़ के उन्होंने हमने हमारे सपने पूरा कराने के लिए रात और दिन मेहनत की होगी, रात और दिन मेहनत। और अपने हमने अपने माँ बाप को काम करते हुए देखा है, हमने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा है, हमने अपने माँ बाप को अपने सपनों को तोड़ के हमारे सपनों को पूरा करने के लिए उनको मेहनत करते हुए देखा। इससे बड़ा मोटिवेशन कहाँ से आएगा आपके पास, कौन मोटिवेट करेगा आपको? आप अपने माँ बाप को देख के भी अगर मोटिवेट नहीं हो सकते, अगर आप अपने माँ बाप को देख के भी मोटिवेट नहीं हो सकते तो फिर आपको मोटिवेट करेगा कौन? फिर कोई दुनिया में मोटिवेट कर नहीं कर सकता। आपके माँ बाप ने आपको कंप्यूटर दिलाने के लिए, आपको लैपटॉप दिलाने के लिए, आपको मोबाइल दिलाने के लिए, आपके कमरे में एसी लगाने के लिए उन्होंने किसी आदमी से 20-30 हज़ार रुपए लिए होंगे, और माँ बाप 20-30 हज़ार रुपए वो टाइम से पे नहीं कर पाए होंगे। एक गली का एक आदमी आ जाता है और आपके माँ बाप से वो पैसे वापस मांगता है और माँ बाप उस पैसे को टाइम से वापस नहीं कर पाते हैं, वो सामने वाला आदमी आके दो बात हमारे माँ बाप को सुना के चला जाता है। इससे बड़ा मोटिवेशन दोस्त कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा मोटिवेशन? इससे बड़ा मोटिवेशन कहाँ से आएगा कि कोई आदमी, गली का कोई आदमी आके हमारे मुंह के सामने, हमारे सामने हमारे माँ बाप की बेइज्जती करके चला जाता है? इससे बड़ा मोटिवेशन कहां से आएगा? हमारे फैमिली मेंबर के अंदर किसी आदमी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी आदमी को कोई बीमारी हो जाती है, हम अपने किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं और वहां से 10-20 हज़ार रुपए की उधारी की मांग करते हैं, और सामने वाला हमारे रिश्तेदार 10-20 हज़ार रुपए हमें पता है उसके पास पैसे हैं लेकिन वो नहीं दे रहा है, हमारी मदद नहीं कर रहा है, उस बात से हमें मोटिवेशन नहीं मिलता क्या? हमारे अंदर से एक ताकत नहीं जगती क्या? हमारी आत्मा नहीं जागती क्या? एक आदमी की जिसकी जेब में 10-20 हज़ार रुपए थे उस आदमी ने हमसे देने के लिए मना कर दिया, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? इससे बड़ा मोटिवेशन दोस्त कहां से आएगा? हमारे परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको उस हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, और हमारे घर में कोई व्हीकल नहीं था, हमने पड़ोसी के पास गए और पड़ोसी से हमने उससे बोला कि अपना व्हीकल दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए और मैं उसको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ और मैं शाम को आके आपकी गाड़ी को वापस कर दूंगा, और उस पड़ोसी ने गाड़ी देने से लिए मना कर दिया होगा। इससे बड़ा मोटिवेशन कहां से आएगा? इससे बड़ा मोटिवेशन आएगा कहां से? कहां से ना इससे बड़ा मोटिवेशन कहां से आएगा? इससे बड़ा मोटिवेशन आदमी की जिंदगी में आएगा कहां से? जो आदमी अपनी परिस्थितियों को देख के भी मोटिवेट नहीं हो सकता उस आदमी को इस दुनिया में कौन मोटिवेट कर सकता है? फिर कौन मोटिवेट कर सकता है उस आदमी को? कोई नहीं मोटिवेट कर पाएगा। फिर दोस्त आप अपनी आर्थिक परिस्थितियों से मोटिवेट हो सकते हैं तो हो सकते हैं, अगर आप अपनी आर्थिक परिस्थितियों से भी मोटिवेट नहीं हो सकते ना तो फिर आपको दुनिया में कोई भी आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। आप ट्रेनिंग लेके, अपलाइन के माध्यम से बात सुन के, ये फेक मोटिवेशन है, लिमिटेड टाइम का मोटिवेशन होता है। अगर आपको परमानेंट मोटिवेट रहना है, सोते जागते खाते पीते आपको मोटिवेट रहना है, तो आप अपनी पुरानी परिस्थितियों को याद रखिए, आज की परिस्थितियों को याद रखिए। अगर आपको आज की परिस्थिति याद है, आपको आज के हालात याद है और आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, 1500 से ज्यादा लोग इस बात को सुन रहे हैं, फिर आपको दुनिया में कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो आपको डीमोटिवेट कर। आपको अगर मोटिवेट रहना है तो आपको खुद रहना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिए।